Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on Hoffman adjusted methylation. Hoffman adjusted methylation, इसको डायरेक्ट वे में पहले ये जान लीजिए रिएक्शन में क्या होता है. इसमें कोई प्राइमरी एमाइन लेंगे हम, जैसे मान लीजिए R NH2 यानी 1 डिग्री एमाइन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आर फोर एन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव. सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि 1 डिग्री एमाइन लिया है मैंने, इसकी जगह आप 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन भी ले सकते हैं. अल्टीमेटली वो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है. तो 1 डिग्री एमाइन इज कन्वर्टेड इनटू क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड यानी आर एक्स की एक्सेस में होती है, एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड. ये इतनी छोटी सी रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म मैं आपको सिखाने वाला हूं. इसमें चूंकि वर्ड लिखा है एडजस्टिव मिथाइलेशन, यानी इसमें मिथाइल हैलाइड आपको लेना है पर्टिकुलर इस रिएक्शन में. तो मिथाइल हैलाइड कौन सा भी ले सकते हो, एक्स की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, राइट. और बार बार इसकी रिएक्शन कराना है आपको, यानी एक्सेस में लेना है, और फाइनली जब तक ये कंपाउंड नहीं बन जाता है. तो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म में मैंने यहां पर ले रहा हूं सबसे छोटा कंपाउंड CH3NH2. ये आपका मिथाइल अमीन और इसका एक लोन पेयर है. इस मिथाइल अमीन की हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ, मिथाइल हैलाइड, यानी यहां पर मैं ले देता हूं CH3I, कोई भी मिथाइल हैलाइड लीजिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. अब आप देखेंगे आयोडाइड यानी आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज्यादा है, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है. इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं. यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है तो इस पर कैसा पार्शियली चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज. और ये है हमारा प्रोटॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका भी इसमें कुछ रोल होगा. तो देखिए एक साथ में रिएक्शन को समझ लो क्या होने वाला है, ये मिथाइल अमीन मिथाइल हाइड्राइड से कैसे रिएक्शन करेगा. तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा. जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये आई ब्रेक हो जाएगा और इससे अलग हो जाएगा CH3 से, और ए आई पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ए आई इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके एच आई बनाएगा. और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर चला जाएगा. बस इतनी सी प्रोसेस है, बार बार आपको यही करना है. तो देखिए प्रोसेस में क्या होगा, ये बनेगा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड N, N से कौन जुड़ना है, एक और CH3, एच अलग हो गया तो कितना एच बचा, केवल एक एच इसके पास बचा हुआ है. अब यहां पर क्योंकि इसने प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन से तो ये जुड़ गया यहां पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास एक लोन पेयर हो गया. अब क्या होगा, यहां पर जो H और I मिलकर के -HI निकल जाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड. क्योंकि रिएक्शन एक्सेस में है इसलिए इसका नाम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कहा गया है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप बार बार जुड़ता है तो ये फिर रिएक्शन आगे होगी, फिर से मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे CH3I, सेम पोजिशन इस पर पार्शियली नेगेटिव
इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर से डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये आई इस एच के साथ जोड़ करके माइनस एच आई बन के निकल जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। सेम जो प्रोसेस यहां थी यही प्रोसेस यहां पर हो रही है। तो देखिए यहां पर ये बनेगा वो होगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, नीचे भी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, यहां पर एच आई बनके निकल गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है यहां पर, तो यहां पर फिर से ये हमारे पास एक लोन पेयर फिर से है। अब इनका अगर अपन नाम देखें तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी एमाइन या ऐसे लिखेंगे वन डिग्री एमाइन, इसको यहां पर लिखेंगे टू डिग्री एमाइन यानी सेकेंडरी एमाइन, और इसको लिखेंगे टर्शियरी एमाइन या थ्री डिग्री एमाइन। ये रिएक्शन आगे फिर कंटिन्यू रहेगी क्योंकि फिर मिथाइलेशन हो रहा है, अल्टीमेटली रिएक्शन मिथाइलेशन की है, तो यहां पर फिर से CH3I की रिएक्शन कराएंगे और सेम पोजीशन, इस पर पार्शियली नेगेटिव इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और ये लोन पेयर जो आप देख रहे हैं फिर से आकर के इस मिथाइल ग्रुप से जुड़ेगा, मिथाइल अलग हो जाएगा, आयोडीन यहां से अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आई के जुड़ने के लिए यहां पर एच नहीं है, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है इसको, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आई पर नेगेटिव चार्ज होगा और कंपाउंड जो बनेगा वो होगा ये सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, नीचे सी एच थ्री ए सी एच थ्री और जुड़ गया तो ये हो गया सी एच थ्री, और इस पर मैं ऐसे ब्रेकेट लगा सकता हूं यहां क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव और आई ये फाइनल कंपाउंड है, इसी का नाम होता है टेट्रा मिथाइल एमोनियम आयोडाइड सॉल्ट, ये इसका नाम है। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है जो वन डिग्री एमाइन से क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म है, आप इसको आसानी से पूरा लिख के भी आ सकते हैं और फाइनली कोई छोटी मोटी रिएक्शन कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है तो ध्यान रखिए RnH2 Rx के एक्सिस में रिएक्शन करके क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं ये वन डिग्री एमाइन और यहां पर टू डिग्री एमाइन और यहां पर थ्री डिग्री एमाइन ले सकते हैं, इन तीनों में से किसी की भी रिएक्शन इस फॉर्म में बना सकते हैं या फिर कोई साइक्लो कंपाउंड का अगर आपने लेना है तो साइक्लो कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्शन होगी। बस ये रिएक्शन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तैयार कर लीजिएगा, आपकी मांग भी मैंने पूरी कर दी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो समस्या मैं आपकी फिर से कोशिश कर दूंगा कि वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।